नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, आज की तारीख है 19 दिसंबर। तो अब हम 19 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 19 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में कौन सा आर्टिकल हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए और कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हमसे प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे सामने विजय दिवस, दूसरा है इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम, थर्ड है क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट, वायु जलवायु लचीलापन प्रयास, देन है न्यूक्लियर फ्यूजन, देन है न्यूक्लियर सोलर एनर्जी, देन है परसुएशन टेक्निक्स। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहला विजय दिवस, देखिए विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे का रेलिवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं इस पूरी स्टोरी को। मेरे साथ आप पूरी स्टोरी समझिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि 1971 में वॉर की शुरुआत होती है। क्यों होती है वॉर की शुरुआत, क्या होता है ऐसा, देखो जब पाकिस्तान और भारत, अखंड भारत जब यहाँ पर अलग हुए थे 1947 में, तब जो है तो एक तो पाकिस्तान था, ठीक है, इस तरफ पाकिस्तान था, यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर, ये अब पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दुखी था, जैसे बाकी हम भी दुखी हैं जैसे। तो उसी रिस्पेक्ट में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान यहाँ पर बनता है, जिसमें बंगाली जो रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में, उनको ऐसा बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज्यादा भेदभाव वाला फील हुआ करता था कि जबरदस्ती जो पाकिस्तान है उन्होंने यहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर बंगाली लैंग्वेज से हटा करके जो है उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर थोप दी थी। प्लस दोनों में यहाँ पर जो है इकोनॉमी के लिए आर्थिक विषमताएं बहुत ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर, मतलब जो आज का बांग्लादेश है, उसके अंदर कोई भी फ्लड या फेमाइन की सिचुएशन आती थी तो यहाँ पे क्या किया जाता था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और 1970 में, हद तो तब हो गई जब 1970 में अवामी लीग, जिसमें हेड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, इलेक्शन जीतते हैं लेकिन पाकिस्तान की पीपल पार्टी उनको पावर देने से मना कर देती है और पाकिस्तान का ही रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजती है। तो इसकी वजह से इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट होने लगती है और इन सब की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान से जो है वो छुटकारा पाने के लिए जो है ईस्ट पाकिस्तान लड़ाई लड़ती है। और इसलिए यहाँ पर बहुत से रेफ्यूजी शरणार्थी जो है वो भारत में आने लग जाते हैं, भारत के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे भरने लग जाते हैं यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर 1971 में जो है लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, शुरुआत कब होती है यहाँ पर जो है, जब पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर एयर स्ट्राइक, भारत के एयर बेसों पर हवाई आक्रमण शुरू करने लग जाता है 3 दिसंबर। लड़ाई की शुरुआत 3 दिसंबर से 16 दिसंबर में होती है और 16 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिन लंबा वॉर था, सबसे छोटा वॉर है ये, 13 दिन में हुआ था। और इसमें यहाँ पर इंडिया की जो आर्मी है वो जीत जाती है और एक और आर्मी यहाँ पर क्रिएट की गई थी मुक्ति वाहिनी के नाम से, ठीक है। 13 दिन तक लंबा लड़ने के बाद बांग्लादेश यहाँ पे आता है और उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में काफी कंट्रीज का टूर किया था और लोगों को ये, जो वहां के लीडर्स हैं उनको ये समझाया था कि इस वक्त बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान कैसे उनके ऊपर जो है वो जबरदस्ती और दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। सो फाइनली ये होता है और यहाँ पर जो जब ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ये वॉर यहाँ पर, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शिमला अग्रीमेंट में जो है सरेंडर कर देती है। जो वहां के पाकिस्तान के आर्मी जो है, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, नियाजी करके आप याद रख सकते हैं, वो यहाँ पर शिमला में इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और सरेंडर कर लेते हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और हमारी इंडिया की आर्मी है। नियाजी जो है यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर
जो है ये क्या चीज है, इस पर भी हस्ताक्षर किए थे रमा रेस कोर्स ढाका के अंदर, जो कि आज के समय बांग्लादेश कैपिटल है, जिसको हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल उस समय के जगजीत सिंह, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही सबसे बड़ा एक सरेंडर था, जिसमें 1971 का वॉर खत्म होते ही ईस्ट पाकिस्तान जो है वो यहाँ से मैप से हट जाता है और बांग्लादेश का जन्म होता है, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। और इसी टाइम पीरियड में बीच में एक दिन आता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत भारत की नेवी जो है वो कराची, जो पाकिस्तान का हार्बर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नेवी डे भी मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई सारी चीजें? तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और 16 दिसंबर जो है वो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही था पूरा, ये मैंने आपको पूरी एक स्टोरी बताई है शॉर्ट के अंदर, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में सारी चीजें रहे। 3 दिसंबर से शुरू होके 16 दिसंबर 1971 में, 1971 में जितना जितना हुआ ये सीरीज थी उसकी। क्यों हुआ, उसके रीजन रीजन आपने समझे क्या हुआ, और आज जो है उसको पूरे 51 ईयर्स हो चुके हैं। 2021 में इसको 50 साल कंप्लीट हुए थे, तो हमने काफी चीजें करी थी। हमने बांग्लादेश की जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री जो है अभी वहां की प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना, ठीक है, उनको यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में बुलाया भी गया था। तो यही सारी चीजें जो है की जाती हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारे अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए जो भारत की सरकार है वो उनके साथ एक मैत्री दिवस भी मनाती है। कौन से डे को? 6 दिसंबर को। लिख लीजिए ये सारी चीजें, मैत्री दिवस। हम बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, आई थिंक सबको पता होगा, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है भारत का वो बांग्लादेश के साथ शेयर किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो करते हैं बोंगो सागर, ठीक है, और एक करते हैं एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है। अभी हम लोगों ने उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए मैत्रेयी दिवस मनाया है। हमने उनके साथ एक ट्रेन चलाई है, मैत्रेयी एक्सप्रेस, ऑलरेडी हम उनके साथ बंधन एक्सप्रेस भी चला रहे हैं, अब मैत्रेयी एक्सप्रेस भी है। दूसरा, मैत्रेयी सेतु भी हमने उनके साथ बनाई है, मैत्रेयी ब्रिज। मैत्रेयी सेतु जो है ये भारत बांग्ला मैत्रेयी सेतु के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत जो है एक रिवर के ऊपर, कौन से रिवर के ऊपर? फेनी रिवर। फेनी रिवर कहाँ है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की फेनी रिवर में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ही चीज बनाई गई, क्योंकि त्रिपुरा पूरी तरीके से जो है बांग्लादेश को बॉर्डर करता है, इसलिए हमारे उनके साथ यहाँ पर रिश्ते भी होना जरूरी है। बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलकर के जो है जूट के काफी बड़े उत्पादक रहे हैं, जूट सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वो काफी ज्यादा, उनकी अगर प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस को आपको दिमाग में रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। क्लियर हो गया सबको? तो जितना मैंने आपको बताया ये आपके मेंस आपके प्रिलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ना हो या प्रिलिम्स के लिए ना हो, ये जितने भी फैक्ट्स आपको लिखवाए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल कहता है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडिया इंटरनेट की, ठीक है, ये हम यूएन के साथ मिलकर के चला रही हैं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जो कि जो है यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर और हमारे आईटी मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। जिसमें क्या होगा, जिसमें हर एक ग्रुप से लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, और क्या उनको बोला जाएगा कि आप इंटरनेट से जुड़ी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करें, डिजिटली जो है डिजिटल चीजों के ऊपर डिजिटलीकरण कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर हमारे यहाँ पर एक तैयारी की जाएगी, और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की जो थीम है यहाँ पर वो आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या है इस बार की? लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि
आप भी जानते हैं और यूएन भी ये चीज जानता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं जो है इंटरनेट के, वो इंडिया है। 800 मिलियन इंडियन यूजर्स है। तो इसके तहत इंडिया को काफी बड़ा हब बनाया गया है, जहाँ पे इंटरनेट के लिए रूल्स, उसमें क्या और बेटर कर सकते हैं, पॉलिसीज क्या नई ला सकते हैं, किसके पास क्या नई चीज हो सकती है, वो सब तैयार किया जाता है। तो इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब यही है कि इंटरनेट को गवर्न करना है, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, ताकि गवर्नमेंट, प्राइवेट, सिविल लोग, वो अपने प्रिंसिपल्स को, वो अपने सिद्धांत, मानदंडों को, निर्णय कैसे लेने हैं उनके ऊपर एक पूरा तैयार कर सके, ताकि आगे इंटरनेट इस्तेमाल करने में और ज्यादा सहूलियत प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, सो आपसे ये पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ की थीम आपसे पूछी जाएगी, थीम ऑफ दिस कंप्लीट आर्टिकल ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये थीम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है, जिसमें इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें, तकनीक में क्या करना है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, साइबर क्राइम के लिए क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स लगाना, हर एक चीज तैयार की जाएगी। क्लियर हो गया ये वाला? तो इसमें आपको थीम इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट गवर्नेंस एक फोरम होती है, यूएन के अंडर काम करती है, ये तीन फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में इसमें कोई ऐसा खास सवाल नहीं बन सकता है। चलिए थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल कहता है हमें क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट, जलवायु लचीलापन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ही COP27 हुआ है, कहाँ पे हुआ है, शर्म अल शेख इजिप्ट, नवंबर में अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो उसमें इंडिया ने यहाँ पर अपना एक जो है वो एक पूरा एक कार्य जो है हम क्या करने वाले हैं उसका अनावरण किया है, जिसका टाइटल का नाम है, शीर्षक है उसका, दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति। हम दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे कार्बन का कम यहाँ पे एमिशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम नेट जीरो पे जो 2070 तक जाने की बात की गई है वो हम कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। उसी के तहत एक लॉस एंड डैमेज फंड भी आया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड। इसमें क्या होगा, इसी में जो कंट्रीज जिनको लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, जो भी उनके आगे चेंजेस आए हैं उसके लिए वो प्रिपरेशंस को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पर जो है वो हर्जाना भरेंगे, ठीक है, ये बताया गया है इसके अंदर। साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या चीजें करी हैं, इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया की प्राथमिकता क्या है, इंडिया की प्राथमिकता अभी फिलहाल ये है कि जो कार्बन के जितने भी एमिशंस होते हैं, ठीक है, उनको इंडस्ट्रीज के लिए एक टारगेट दिया गया कि भाई वो टारगेट यहाँ पे लेके आओ, और अगर यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे रणनीतियां बना रहे हैं अगर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थन नहीं रही है, तो कम से कम हमें जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव कम है उसको तो हमें अपने हिसाब से लेके आना ही पड़ेगा, और जितने भी यहाँ पर विकासशील देश हैं उनको भारत की जैसी ही, मतलब विकासशील देश और भारत दोनों मिलकर के यहाँ पर ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि भारत की प्राथमिकता जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि हमें भी एक तरीके से ऐसा प्रारूप तैयार करना है। जैसे भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें भी ये बात बोली गई थी कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल वर्ड दिया गया था कि आज के हमारे जितने भी संसाधन है उसको हम इस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी जनरेशन है उनको उन संसाधनों की कमी महसूस ना हो, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत होती है यहाँ पर जितनी भी उसको हम और कम करेंगे और हम एक नया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे तैयार करेंगे। ये सारी जितनी भी बातें हैं ये भारत ने यहाँ पर अपनी जो है COP27 में यहाँ पर रखी हैं, और ये सब भारत जो है वो एक तरीके से अचीव करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है ना। हमारे भारत में जो है 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको अभी विद्युत आपूर्ति नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 55% ऐसे हमारे भारत में हाउस होल्ड है जो कि अभी भी कच्चे हैं, ठीक है, जो मिट्टी से बने हैं या फिर कच्चे मकानों में रहते हैं, और अभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, उद्योगीकरण भी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे करते करते अब जो है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास भी ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर हमें करनी है, हमें हर एक को घर भी बना के देना है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है, पोर्ट भी बनाने हैं, हमें यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट भी लेके आनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। हम ये सब चीजें भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शहरीकरण बढ़े,
हम चाहते हैं उद्योगीकरण भी बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा कार्बन एमिशन भी कम हो जाए, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब इन सब चीजों में आप सारे ऐसे मेथड्स को यूज करोगे जो कि ग्रीन मेथड्स हैं, जो हरित मेथड्स होते हैं उन्हीं के इस्तेमाल के साथ ये चीज की जा सकती है। तो बस वही है ये चीज। तो आपका ये पूरा आर्टिकल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है जिसमें ये सब चीजें कोशिश की जा रही है। इंडिया ने इस चीज के लिए काफी सारी नई नई चीजें करी भी है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर नए नए प्लान बनाए हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाई है, जैसे हमने बोला है कि हम नल से जल, क्लीन उज्ज्वल, क्लीन इंडिया मिशन, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ेगा, क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और ये सारी जो चीजें हैं मतलब हम पुरानी जो चीजें हैं, हमारी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उनको भी महत्व रखेंगे, लेकिन हम साथ साथ नई चीजों को भी अपने उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसी में ही पूरा स्ट्रैटेजी जो है इंडिया ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया की जो मिटिगेशन टेक्निक्स है मतलब शमन की जो चीजें हैं सारी, कि हम कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इंडिया यहीं पर पूरी इस चीज की कोशिश कर रहा है। अगर ये हम नहीं रीच कर पाए, इन केस हम इस टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते हैं, इसको रीच नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो जो है नए नए मेथड्स को निकाल के आया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो वो चीजें और कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम लोग हर एक के घर में, जो हम कह रहे हैं कि भाई हर एक को आवास मिले, हर एक को जल मिले, तो उसके हमें ऐसी टेक्निक्स भी तो बनानी पड़ेगी ना जो कि लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। अगर हम उनको रेजिलियंट बनाते हैं, रेजिलियंट का मतलब है हम लोग उनको अनुकूल बनाते हैं, जो हम जितनी भी चीजें चाह रहे हैं संरचनात्मक चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिजास्टर्स प्रिवेंशन के लिए भी टेक्निक्स लेके आनी पड़ेंगे, हम डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ तो कुछ ऐसा कहते हैं, रेजिलियंट भी होगा, अडाप्ट भी कर लेंगे। अडाप्ट का मतलब क्या होता है, आपको आपने अपने उसको अनुकूल कर लिया, अपनी चीज को उसके अनुकूल बना लिया, वल्नरेबिलिटी भी उसकी कम कर दी, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट कम कर दिया। तो बेसिक ये सारी चीजें की है यहाँ पर, तो ये चारों जो चीजें हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। आप ये समझ सकते हो कि सरकार जो है वो यहाँ पर ये सारे काम कर रही है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलिए बढ़ते हमारे लास्ट नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय संलयन। इसमें यहाँ पर क्या किया है कि जो यूएस की सरकार है, यूएस के जो साइंटिस्ट हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम लोग जो है यहाँ पर जीरो कार्बन पावर लेके आएंगे न्यूक्लियर फिजन के लिए। ऐसा हम न्यूक्लियर फिजन यहाँ पर बनाएंगे जिसमें जीरो कार्बन होगा, जीरो कार्बन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ये एक ऐसी परमाणु की तकनीक होती है जिसके अंदर ऊर्जा को प्रयोग में लाने लाया जाता है, जिसमें सूर्य और सभी अन्य तारे चमकते हैं और ऊर्जा जो है विकिरण होती है, ऊर्जा यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। जो कि 1950 से किया आता जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, ये आज के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट ये वाला पूरा जो है करते आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी लाइट्स को इंक्लूड करके फ्यूज करके एक साथ जो है नया न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, चाहे फ्यूजन करो चाहे फ्यूजन करो, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, तो ये आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन का एक भारी जो है दो नाभिकीय संलयन है, जैसे कि ट्रिटियम जिसको कहा जाता है, ये यूरेनियम परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इतनी ज्यादा अमाउंट में ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो न्यूक्लियर फिजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, वो बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस को कनेक्ट करके बड़ा न्यूक्लियस डेवलप करना, जिससे ऊर्जा जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। फ्यूजन जो है अब यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करा है कि कार्बन फ्री सोर्स रहेगा एनर्जी का, और ये सिर्फ बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ही हो सकता है, इतने टेम्परेचर में कि सन जो है, सन का जो कोर होता है, सन का जो केंद्र है, उससे भी 10 गुना का टेम्परेचर चाहिए इसके अंदर, कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये अभी न्यूज में चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। और इससे क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर सन से ये चीज लेके आते हैं, ये एक लिमिटलेस, कितनी भी अमाउंट में आप इससे एनर्जी, असीम प्रकार से एनर्जी जनरेट कर सकते हो, और बहुत ही क्लीन यहाँ पे एनर्जी होगी, ठीक है। और ये एक प्लाज्मा के थ्रू की जाती है पूरी एनर्जी का तरीका, प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में जाना जाता है।
इसको करने से भी फायदा है, अगर हम इतना कुछ यहाँ पर जनरेट कर देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो हम कोयला गैस और ये सबको बर्न करके इस्तेमाल करते हैं उससे बेहतर रूप से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक ज्यादा किफायती, जिसे हम कहते हैं ना, एक सॉल्यूशन है काम करने का, ये एक ज्यादा किफायती सॉल्यूशन के रूप में निकल के आ सकता है। 1 किलोग्राम अगर फ्यूजन जो है ना वो कितना फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है, 1 किलो जो है वो इतना यहाँ पर कर सकता है कि अगर हम 10 मिलियन तो ईंधन को जलाएं और 1 किलोग्राम फ्यूजन उतनी एनर्जी दे सकता, तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट में हमें ये मदद करता है। ठीक है ना, ये जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियंस को एक साथ इकट्ठा करके जो है उसके एक अलग अलग आइसोटोप्स बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो कहता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जानते हैं सब, ठीक है, सोलर एनर्जी भारत जो है बिल्कुल इस चीज को कोशिश भी कर रहा है कि हम यहाँ पर किसी भी तरीके से जो अपनी सौर ऊर्जा है उसमें हम लोग आगे बढ़े और उसमें हम लोग अपने नए नए चीजों को निकालें। तो सोलर एनर्जी जो है वो अपनी इन्होंने, भारत ने अभी हाल ही में 5 अपनी कमिटमेंट्स यहाँ पे जारी करी है कि हम क्लाइमेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसके लिए 5 कमिटमेंट जारी करते हैं कि 2030 तक भारत जो है गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, भारत जो है अपनी 50% जो अपनी एनर्जी है यहाँ पर वो कंप्लीट करेगा नवीकरणीय स्रोतों से, जिसमें 60% जो है वो सोलर एनर्जी से ही आने वाली है। और जो कार्बन एमिशंस होते हैं, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसमें करीब करीब 2021 से 2030 तक भारत 1 बिलियन टन की उसमें कमी लाने वाला, मतलब उसमें कम करने वाला है। फिर 2030 तक जो भारत की इकोनॉमी है वो कार्बन पे कम निर्भर करेगी, 45% से भी कम निर्भर करेगी। प्लस ये तो मैंने आपको बताया भी था, ये ना पंचामृत प्रॉमिस है, ठीक है, पंचामृत है ये कि इंडिया जो है वो यहाँ पर जीरो एमिशन करेगा 2070 तक। इसके लिए सरकार ने काफी चीजें भी करी हैं। 2014 में हम लोगों ने सोलर पार्क पार्क बनाने का यहाँ पर पॉलिसी करी थी, ऐसे पार्क बनाएंगे जो सोलर की सहायता से चलेंगे, और यहाँ पर कोशिश भी की गई थी इसमें प्लान में 25 पार्क बनाए जाएंगे जिसमें करीब करीब 20,000 मेगावाट की एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाएगी। फिर 2017 तक आते आते सरकार ने इसको 61 पार्क कर दिए जिसमें 40,000 मिल गई, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करते करते अभी तक इसमें हम अचीव नहीं कर पाए हैं उतना। इंडिया ने कमिटमेंट दी है कि 1,75,000 मेगावाट की जो है यहाँ पर हम निकल के लाएंगे, और अभी तक एक्चुअली में 61,000 ही किया है। इसके लिए सरकार ने कोशिश भी बहुत करी थी कि घरों घरों में इसको हम इंस्टॉल करेंगे, हर घर के अंदर सोलर पावर को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी पे, कोयले के ऊपर और इन सब चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए और हम सोलर पे निर्भर रहे, नवीकरणीय सोर्स है ना ये इसलिए। लेकिन अभी तक ना इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो अभी तक लोगों को पता भी नहीं, और बहुत महंगी भी कही जाती है। ठीक है, आप में भी इसे हो सकता है कई स्टूडेंट्स के घर पर ये लगा हुआ हो, कई स्टूडेंट्स के घर पे नहीं हो, ठीक है, मेरे घर पे तो फिलहाल नहीं लगा हुआ है, हम भी सोच रहे हैं इस चीज के लिए। तो सरकार जो है इसको काफी ज्यादा प्रेरणा दे रही है कि भाई इसमें अब आप हर घर के अंदर इस चीज को लगाओ। गांव में काफी सरकार ने कोशिश करी है इस चीज की, काफी जगह पे इसको किया जा रहा है, लेकिन पता है अभी भी ना इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ही मिलती है, सरकार की तरफ से कोशिश उतनी नहीं की जा रही है, जब मतलब लोगों को उतना समझाया नहीं जा रहा है इस चीज के ऊपर। अगर इसके फायदे लोगों तक पहुंचाए जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर इसको लेके आ भी सकते हैं, अगर सरकार को तरीके से समझाए, लोगों तक इस बात को पूरी पहुंचाना शुरू करे। तो सोलर पार्क जो है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये अभी तक जितना हमने सोचा था ना उससे कम भी, उससे आधे से भी कम हम जा पाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा करने की इसको और ज्यादा जरूरत है, लैंड की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा करो, सरकार को जो है जो भी भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा उसको सही करने की जरूरत है ताकि ये पता रहे कि किसका किसका सोलर प्लांट कहाँ पे कैसे लगा हुआ है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, अब बहुत सारे सोलर प्लांट एक दूसरे से अलग अलग जगह पे है, तो क्या होता है ना कि जो है जो जनरेटर से फाइनल तक पहुंचाने में टाइम लग जाता है, प्लस केबल लेके आओ, स्टेशन लगाओ, वायर्स लेके आओ, तो बड़ा ना ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, थोड़ा सा दिक्कत भी होती है इसके अंदर। तो सोलर पावर प्लांट को और ज्यादा 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 लगाने की जरूरत है सरकार को। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंड है, लैंड की समस्या को भी यहाँ पर ठीक करना होगा, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ट्रांसमिशन लाइन की वजह से
उनको यहाँ पर तकलीफ हो रही है, तो सरकार को ऐसे भी ध्यान रखना है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ना, उनको इन चीजों की तकलीफ ना हो। वाइल्ड लाइफ को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मृदा का अपरदन नहीं होना चाहिए, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो हमारे ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी है, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए भी है। तो इनको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, और इंडिया अभी जो पावर सेल्स होते हैं वो अभी नहीं बना पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उतने ज्यादा यहाँ पर अभी लेबर नहीं है उस चीज के लिए, और अभी उतना आता भी नहीं है उस चीज के लिए, तो वो चीज अभी थोड़ी सी सरकार को खुद से यहाँ पर सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको बना सकते हैं, इसके लिए क्या नए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सोलर पावर के लिए अभी हमारे भारत में उतने ज्यादा स्टेप्स लिए नहीं गए हैं, उसके लिए एक स्टेप्स लेने की जरूरत है, और अगर अच्छे से स्टेप लिए गए तो उसके लिए बेटर किया जा सकता है, पर अभी तक वही है ना कि उतने स्टेप्स तो अभी तक लिए नहीं गए हैं, जब स्टेप लिए जाएंगे तो वो एक ठीक स्रोत के रूप में काम कर सकता है। वही है, थोड़ा सा इसको प्रमोट किया जाए, हाई वोल्टेज चीजों को लेके आया जाए, राइट, तो ये सब करने की जरूरत है। अभी सरकार जो है वो चाहे तो इसमें बैटरी बनाना, सेल्स को बनाना, इसको लेकर के आ सकती है। प्लस सरकार जो हमारे जितनी भी ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज है, डिस्कॉम्स कंपनी है, उनको ज्यादा जो है एक इसमें आजादी दे दे। प्लस उसमें जो ये लाइन्स के अंदर फॉल्ट आ जाते हैं, लीकेज आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर फूक जाते हैं, ये सब जो चीजें होती है ना, ये कम हो, तभी फायदा है इसको एक नए रूप में लाने का। वरना अभी तक पता है क्या हो रहा है कि चीजें बढ़ती जा रही है और उस पर रोका कुछ नहीं जा रहा है, और एक ना प्रारूप तैयार नहीं है, तो जनसंख्या भी भारत की थोड़ी ज्यादा है, तो वो भी एक बड़ा इशू बनता है। चलिए, बात समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को, तो ये सब करने की जरूरत है यहाँ पर। इस तरीके से सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर पूरी सोलर पैनल्स के तहत ही की जाती है, यहाँ से सोलर एरे आता है, सोलर एरे से आने के बाद यहाँ पर वो इन्वर्टर कन्वर्ट करता है मीटर, और फिर यहाँ पर उस ग्रिड के तहत जो है वो ये डिस्कॉम कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये सारी चीजों का ना एक मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ये सोलर पैनल्स जो है, ये सोलर स्टेशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगह पे लगी होनी चाहिए, वरना वही है कि केबल्स बिछाते रहो, उन केबल्स के अंदर लीकेज आ गया, उसके अंदर फॉल्ट लाइंस हो गई, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की जरूरत है, इनको ध्यान में रखते हुए बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है परसुएशन टेक्निक, अनुनय तकनीक। अभी रिसेंटली ही बिहार में जो है जहरीली शराब के सेवन की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, जिसमें यही बताया गया कि जितनी भी वो शराब थी वो जहरीली थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अभी यहाँ पर जो है सरकार को जो है इस बिहेवियर को स्वीकार जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और राज्य को यहाँ पर जो है इसके लिए एक एक मूल रूप से एक नया यहाँ पर एक प्रावधान बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। सो परसुएशन टेक्निक कहते हैं, पर्सुएशन टेक्निक का मतलब होता है कि आप जो है वो ये एजुकेशन, ये सब जो वैल्यूज होती है वो आप स्कूल, पंचायत, अदर इंस्टीट्यूशंस में, लोगों में उनकी डिग्निटी और सेल्फ वर्थ के लिए लेकर के आए। आपको यूथ को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि ऐसे भाषण, साहित्य, वीडियो दिखाने चाहिए जिसमें यूथ जो है वो यहाँ पर बड़े सपने देखे भी और उनको अचीव करने की कोशिश करें, उनमें जो है वो किस तरीके की भावना आए, दृढ़ता की भावना है, अनुशासन की भावना आए, तो दृढ़ता, परसिवरेंस की भावना उनको जरूरत है। उनको स्कूल में ही मॉरल वैल्यू जैसी चीजें सिखाने की जरूरत है। स्कूल में मॉरल वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको जो है सही रास्ते पे चलना, जो हम कहते हैं ना बहुत ही आदर्श विद्यार्थी होता है, आदर्श बिहेवियर फॉलो होना चाहिए, वो आदर्श बिहेवियर फॉलो करने पर जो है सिखाना चाहिए, उनको उसी चीज के लिए मजबूर करना चाहिए, उनको वो चीजों की राह सिखानी चाहिए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर उनको जो है फीमेल जो है वो ये चीज रास्ता आगे दिखाए, समाज के विभिन्न समुदायों में महिलाएं जो है वो अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, और जो ये लिकर, मदिरा पान होता है, उसको समझा, इसको उसके रोकथाम के लिए स्टेप्स लें। यहाँ पर मेल्स को आगे जो है मोटिवेट किया जाए, ताकि मेल्स जो है वो अब एक एक प्यार की भाषा को भी, प्यार की भाषा को समझते हैं मतलब, पर और ज्यादा समझे, और इन शराब और इन सब चीजों से थोड़ा मुक्त हो जाए। ऐसी वीडियोस दिखाई जाए जिसके अंदर लिखकर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, आपकी आपके सोसाइटी पर, आपके घर वालों पर, आपकी खुद की बुद्धि पर, तो वो चीजें जो है वो सिखाई जानी चाहिए।
रोल मॉडल लोगों के ऐसे होने चाहिए जो कि लिकर को कभी भी यहाँ पर सपोर्ट ना करें, ऐसी चीजें सपोर्ट हो जो कि लिकर के अगेंस्ट हो। तो इसे हम कहते हैं परसुएशन टेक्निक, लोगों को यहाँ पर समझाना इस चीज को, ठीक है, लोगों को काम में इन्वॉल्व करना, लोगों को फंड्स देना, उनको चीजें ये सिखाना कि भाई जिससे वो इन चीजों की तरफ ना भागे, ठीक है, इनको इस तरह से चीजों पे फोकस ही ना दे। सरकार ये सब उपाय करने की कोशिश कर रही है और ऐसे कौशल विकास के काम करवा रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। अगर खाली दिमाग होगा, अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा, तो वो ऐसी चीजों की तरफ डिप्रेस होकर के ऐसी चीजों की तरफ चला ही जाता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि वो पर्सन जो है इन चीजों की तरफ मुड़ गया क्योंकि वो परेशान था। तो ये चीजें अगर हम ऐसा मौका ही ना दें उनको कि वो परेशान रही नहीं और ये चीजें खत्म हो जाए, तो एक मॉरली ये चीजें समझाने की लोगों को कोशिश की जा रही है, ताकि लोग इन चीजों में अपने आप को इंडल्ज ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज तो बहुत ज्यादा नुकसान देती है, ठीक है। तो आप जो है अपने आस पड़ोस वाले लोगों को, जितने भी आपके जान पहचान है जिनसे आप प्रेम करते हैं या आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको ये चीजें समझाएं, क्योंकि जो एक ह्यूमन होता है, मानव संसाधन एक किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ये भारत जानता है। तो अगर अवैध सरकार का ये जो शराब का जो ये कारोबार चल रहा है, इसको इसको हटाने की जरूरत है। इसके लिए पुलिस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, सोशल मीडिया पे ये चीजें इनको प्रमोट ना किया जाए। मुझे भी इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे भी जो सोशल मीडिया पे शराब को इतना प्रमोट किया जाता है ना, जो लोग समझते हैं कि शराब पीना और ये सब चीजें करना कूल बनना है, कूल बनेंगे हम इन्हीं चीजों से, हमारी सोसाइटी में पहचान बनेगी, हमें बहुत ना एक शो ऑफ करने का मौका मिलेगा, मेरी नजरों में वो चीज बिल्कुल ही गलत है। और आप सब लोग भी इस बात से अग्री करते होंगे कि ये चीज जो है वो एक एक इंसान का शरीर भी खोखला करती है, उसके आस पड़ोस के रिश्तों के साथ भी उनको खोखला करती है, उसके खुद की मेंटल की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको भी कम करती है, और अल्टीमेटली उसकी हेल्थ का नुकसान तो होता ही होता है। तो सरकार भी जो है सीधा शराब को बंद करना इस सब चीज स्टेप की जगह उनको मॉरल वैल्यू देने की कोशिश कर रही है, उसे हम कहते हैं परसुएशन टेक्निक। क्लियर हुआ है यहां तक सारी चीजें? तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हमारे। कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो अभी न्यूज में है। क्यों है भाई न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली ही G20 के जो शेरपाज हैं, हमारे भारत के शेरपा अमिताभ कांत और बाकी सारे शेरपाज जो असिस्ट कर रहे हैं G20 में, ये अभी उदयपुर के कुंभलगढ़ फोर्ट में अभी रिसेंटली गए हैं, जिनकी पहली मीटिंग यहाँ पर हुई है, जो कि राणा खुम्बा ने बनाया था। ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो राजस्थान है वहां पे 6 हिल फोर्ट्स हैं, 6 हिल फोर्ट्स में से एक हिल फोर्ट ये भी है, ये अरावली हिल्स के वहीं पर ही लोकेटेड है, उदयपुर में। बिल्कुल ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट सही लिखी है। और मैंने अपने वीकली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में भी इस टॉपिक को कवर अप किया है, मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो सुन ली है या आपने नहीं सुनी है, तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर अप करेंगे, समझेंगे इसको कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया ना, कुंभलगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ फोर्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब बना, कैसे बना, क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या ये यूनेस्को का पार्ट है, अरावली हिल्स के पास है, इसके पास एक लेक भी है, लेक पिचोला। तो ये सब फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूएन की एक कमीशन है जिसका नाम है वुमेन के ऊपर स्टेटस की, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। ये एक ऐसा, आप नाम से समझ गए होंगे, यूएन का ही एक बॉडी है जो कि वुमेन में सशक्तिकरण और वुमेन के समानता के ऊपर विश्वास रखती है। 1946 में बनी थी और इंडिया इसमें अब जो है वो 2021 से 2025 तक के लिए सिलेक्ट हुआ है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन ठीक है, ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा, दोनों इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। तो ये मैं क्वेश्चंस लास्ट में दो इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर लेके जाएं क्वेश्चंस की फॉर्म में, आप लोगों को और नए नए फैक्ट्स का यहाँ पर क्लियर हो, राइट। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे आर्टिकल्स को कवर करते जाइए मेरे साथ साथ, डेली मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत से ये सारी चीजें बनाती हूँ, इकट्ठा करके आपके सामने लेके आती हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको लाइक जरूर करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसके अंदर जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ उसको आप लिखिए,
उन सब के आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, आपके सामने सारी चीजें हैं, आप उसके नोट्स बनाइए, उनको लिखिए, समझिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सारे पॉइंट्स नोट करिए, और फिर उसके बाद जो है आपका जब रिविजन करनी होगी आपको, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, सारे क्वेश्चन से भी बहुत मदद मिलेगी, और जो मैं समझाती हूँ, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ उससे भी मदद मिलेगी। कभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को इग्नोर मत करिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको लर्न करने ही करने हैं, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बिना मुश्किल होता है एग्जाम में प्रिलिम्स को सॉल्व करना। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट करते रहिए और सारी चीजें लिखते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।